प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र के आज पहले दिन ही सदन में हंगामा देखने को मिला। शोकोद्गार के बाद विपक्ष ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सदन में नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने नामंजूर कर दिया। इस पर नाराज विपक्ष ने सदन के भीतर नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया और कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में गुंडा राज और माफिया राज को संरक्षण दिया जा रहा है और सरकार सदन में चर्चा से भाग रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अनेक हत्याओं की घटनाएं सामने आ रही है। हाल ही में नालागढ़ में नशा माफिया ने एक युवक को मौत के घाट उतारा और पुलिस अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आज विधानसभा का मॉनसून सत्र का पहला दिन है और पहले दिन ही हमने जो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया था और जिस प्रकार से आप सब देख रहे हैं कि पिछले कल ही एक घटना बद्दी में होती है और 14-15 लोग तीन लड़कों की पिटाई करते हैं, डंडे से पिटाई करते हैं, उनमें से एक की मौके पर वहां पर मौत हो जाती है। एक पीजीआई में एडमिट है, एक पंचकुला के हॉस्पिटल में और दोनों गंभीर हैं। और ये घटना एक घटना नहीं, इस प्रकार की घटनाओं का क्रम बहुत लंबा चौड़ा हो गया पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में। अभी तक जो जानकारी मिली है बद्दी वाले मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो बाकी 15 लोग कहां जिनकी वीडियो बनी पड़ी हुई है, जो पिटाई करते डांग से सिर पे मार रहे हैं और चौक पे मार रहे हैं, सबके सामने मार रहे हैं, वो लोग कौन है? वो भी ड्रग माफिया हैं, लेकिन संरक्षण उनको प्राप्त है, इस कारण से अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।